खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। में मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए बेहतर काम हुआ है। आईएएस रिया केजरीवाल लगातार खुद इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रास्ते में पड़ने वाले जिलों के अधिकारियों से फोन पर कांटेक्ट कर रही हैं। मजदूरों के मुद्दों को लेकर रिया केजरीवाल से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। में मजदूरों की स्थिति जो है, खासतौर पर कोरोना काल के चलते मजदूर विवश हो चला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मजदूर चाहता है कैसे भी अपने घर पहुंच जाए। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ आईएएस ऑफिसर रिया केजरीवाल हैं बीकानेर में, जिन्होंने एक तरह से जिम्मा संभाला है कि मजदूर अपने घर तक पहुंच जाए। तो हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं अब तक उन्होंने कितना काम किया है, क्या रिजल्ट्स हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मैम, अभी तक जो आप कर पाए हम वो समझना चाहते हैं, क्योंकि मजदूर दिवस पर क्या मजदूर बीकानेर का जो मजदूर जाना चाहता था, कितने आप सफल हो पाए हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बीकानेर में अभी हम अगर बात करें तो कल जैसे हमने एमपी और हरियाणा के जो मजदूर थे उनको रवाना करा है, और पूरे ज़िलेवार के जितने भी हरियाणा और मजदूर जो हमारे रिलीफ कैंप और शेल्टर होम्स में रह रहे थे उनको हमने रवाना किया है। कल अभी उसी की फीडबैक ली जा रही थी। ऑलमोस्ट सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक के पास बहुत नज़दीक है। गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटीज़ से कि सामने वाली स्टेट गवर्नमेंट से वार्तालाप हो चुकी है एंड द कोऑर्डिनेशन हैज़ बीन डन, उसके बाद ही हम उस ग्रीन सिग्नल के बाद प्रोसीड करते हैं। तो ये अब अर्जन सेल वाली मैटर हुई वो बात अलग है, बट अदरवाइज़ हरियाणा और एमपी की जो हमने करी है वो उन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसके साथ की गई। अब हरियाणा सबसे पहले तो अभी जैसे बीकानेर ऑरेंज जोन में है, अब सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए जैसा आपने कहा मजदूर है जो हमारे दूसरे राज्यों से यहाँ आ रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अभी तक काफ़ी लोगों ने रजिस्टर कर दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं अगले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी लोग हैं जो अपने बीकानेर ज़िले वापस आना चाहेंगे। हमने सबसे पहले चेक पोस्ट को अपनी स्ट्रॉन्ग करी है, शहर को पूरी कवर कर दी एक तरह से। 6 चेक पोस्ट लगते हैं, 6 मेन रोड्स हैं, उनको हमने एक तरह से चेक पोस्ट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके जो भी इंसान अंदर आता है उसकी पूरी प्रॉपर स्क्रीनिंग मेडिकल टीम के साथ, पुलिस उनकी देखेगी कि उनके पास परमिशंस थे नहीं थे, किस मार्ग से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई नहीं हुई, और जो प्रशासन के लोग हैं वो उनकी रजिस्ट्रिंग करा के संबंधित SDO को देंगे ताकि वो उनकी होम क्वारंटीन या स्टेट क्वारंटीन जैसा भी मेडिकल हमें गाइड करे उसके हिसाब से हम उनकी क्वारंटीन करें। एक ब्यूरोक्रेट के नाते आप मजदूरों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज मजदूर दिवस भी है, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या उन्हें आश्वस्त करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जो मजदूर जिनको हम सफल हुए हैं उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं, और जो बाकी अपने अलग अलग जगह में फंसे हुए हैं उनके लिए मेरी और पूरे प्रशासन की पूरी सहानुभूति है। हम आगे आने वाले दिनों में और अभी भी जितना हो सकेगा उतना करेंगे उनके लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रिया केजरीवाल। 24/7 मोड पर लगातार वो काम कर रही हैं और बहुत हद तक सफल हुई हैं। बहुत सारे मजदूरों को उनके घर उनके राज्यों में भेजा गया है, और साथ ही उन्होंने जैसा कि कहा है कि जो बचे हैं उनको लेकर भी लगातार एक्सरसाइज जारी है। जरूर मजदूर जल्द ही अपने घर पहुँच पाएंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।